हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्रैट्स किचन में। आज हम बनाएंगे ओरियो नट क्रैकर पॉपसिकल्स। ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, वनीला आइसक्रीम से हम इसको शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे 250 ml मिल्क ले लिया है एक पैन में, और आधा कप चीनी है जिसमें से एक चौथाई कप मैं इसमें अभी ऐड करूंगी। 3 बड़े चम्मच मैंने दूध के पाउडर का लिया है, मिल्क पाउडर का। 1 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर का लिया है मैंने। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी को इसमें डिसॉल्व करना बहुत जरूरी है दोस्तों, गैस पर चढ़ाने के पहले। थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, लगभग 1/4 चम्मच जितना। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको फिर हम गैस पर चढ़ा लेंगे। गैस पर हम इसको मीडियम हीट पर ही कुक करेंगे। लगभग 6-7 मिनट में जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसको तुरंत हम गैस से उतार लेंगे और लगातार चलाते हुए इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच वनीला एसेंस का डाल लूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स करके हम इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। इसको सबसे पहले मैं छान लूंगी। छानने से हम इसके जो लम्स हैं वो अवॉइड करेंगे, और उसके बाद इसको सरफेस रैप कर दूंगी ताकि इसमें फर्दर स्किन न फॉर्म हो, और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और उसके बाद हम यहाँ पर क्रीम व्हिप कर लेंगे। 35% मिल्क फैट वाली व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने, डेरी क्रीम है, जिसमें मैं चीनी मिक्स करते हुए इसको स्टिफ पीक तक व्हिप कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरी क्रीम व्हिप हो गई है। अब जो हमारा मिल्क का मिक्सचर है वो मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, उसको हम हल्का सा बीट कर लेंगे ताकि मिक्सिंग ईजी हो। थोड़ा सा मैं इसमें क्रीम डालूंगी जो हमारी व्हिपिंग क्रीम है, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो व्हिपिंग क्रीम जैसी हो जाए और ये दोनों आपस में ईजिली मिल जाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी सेम हो जाती है और मिक्सिंग इवन होती है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ईजिली ये आपस में मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 10-12 ओरियो बिस्किट, जिसको मैं छोटे छोटे पीसेस में तोड़ ले रही हूँ, और इसको अब हम अपने आइसक्रीम में मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो दोस्तों इसको ऐसे ही सेट होने के लिए रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पॉप्सिकल्स बना रहे हैं, इसके लिए हम इसको पॉप्सिकल मोल्ड्स में डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने पॉप्सिकल मोल्ड्स लिए हैं, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से गैप छोड़कर फिल कर लूंगी, और इसमें हम ढक्कन लगा लेंगे, और ढक्कन लगाकर इसको लगभग 24 घंटे के लिए कम से कम अच्छा सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास पॉप्सिकल मोल्ड्स नहीं है तो आप ऐसे छोटे छोटे ग्लासेस में भी आइसक्रीम को सेट कर सकते हैं। बस इसमें आपको करना ये है कि एक आइसक्रीम स्टिक इंसर्ट कर देनी है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और इसके बाद इसको भी हम फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप पीनट्स लिए हैं रोस्टेड, इसको मैं चॉप कर ले रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मिल्क चॉकलेट ली है, जिसको मैं बारीक चॉप कर रही हूँ ताकि हम इसको जब माइक्रोवेव करें तो ये इजीली अच्छे से माइक्रोवेव हो जाए। इसको एक बाउल में ट्रांसफर करके मैं 30 सेकंड्स के इंक्रीमेंट पे इसको माइक्रोवेव कर लूंगी। पहले मैं इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करूंगी, इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, फिर इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करूंगी जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। इस प्रोसेस में लगभग 1 मिनट या 1.5 मिनट तक लग जाता है। उसके बाद इसमें हम दोस्तों अपनी जो पीनट है जिसको हमने काट के रखा था वो मिक्स कर लेंगे। बस इसके बाद करना कुछ नहीं है। इसको मिक्स करने के बाद हम अपनी आइसक्रीम निकालेंगे और इसमें डिप कर लेंगे। फटाफट से डिप करके इसको निकाल लेंगे, और उसके बाद लगभग 4-5 सेकंड तक इसको हवा में रखेंगे ताकि चॉकलेट जो है वो सेट हो जाए। बस तैयार हो गए हमारे ओरियो पॉप्सिकल्स। बस इसको ट्राई करें और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दोस्तों ये घर में बनाएंगे तो बच्चों का तो फेवरेट होगा ही, आपको भी बहुत पसंद आएगा। मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।